हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से हम लोग ज्योग्राफी भूगोल का एक टॉपिक यहां पर कवर करने वाले हैं। भारत के भूगोल से रिलेटेड पहला टॉपिक आपको दिया गया है, भारत की भौगोलिक स्थिति। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन और उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस बुक में अच्छे से आप कवर कर लोगे तो आपका पूरा टॉपिक अच्छे से समाप्त हो जाएगा। और जो भी आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको नहीं पता है तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप उसके शॉर्ट्स नोट बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो है वो अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो भारत दोस्तों कई देशों के साथ अपनी भू सीमा साझा करता है, इसीलिए भारत की स्थलीय सीमा के बारे में आप पढ़ते हो। तो भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में से सबसे ज़्यादा जिसके साथ साझा करता है वो दोस्तों बांग्लादेश है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, याद रखिएगा। चाहे कोई भी देश आपसे पूछे उसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी है। तो बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है, ये आपको पता ही है, जो तीन ओर से दोस्तों भारत है, मतलब तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत बांग्लादेश के साथ दोस्तों अपनी सबसे लंबी भू सीमा, जिसको आप किलोमीटर में याद रखिएगा 4096 किलोमीटर, इतनी भू सीमा का साझा करता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे स्थली सीमा की बात करी जा रही है, जो एग्जैक्ट आपको याद रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15106 यहाँ पे दिया गया है। 15200 किलोमीटर भी आपको मिल जाता है, 15000 बिल्कुल एक्चुअल अगर आप देखते हो तो 15106.7 किलोमीटर मिलता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलने वाली हैं कि भारत की लगभग 15106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थली सीमा अगर हम गुजरात की तरफ से देखना स्टार्ट करें तो पाकिस्तान, फिर इधर देखो आपको पता ही है यहाँ पर बांग्लादेश, इसके अलावा चीन और नेपाल आपको पता है दोस्तों, यहाँ म्यांमार आपको इधर साइड में पता है, इधर भूटान आपको पता है, यहाँ इधर अफगानिस्तान आपको पता है। तो आप देख सकते हो कितने देश हो गए, तो एक आपका पाकिस्तान हो गया, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, फिर छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। तो सात देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भू सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भू सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ और सबसे कम जो करता है वो अफगानिस्तान के साथ करता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको भारत की मानक यामोत्तर रेखा बोलते हैं। तो ये दोस्तों आप सभी को पता है, प्रयागराज आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मिर्जापुर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अब इसकी डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पे पांच राज्यों से ये भारत के होकर गुजरती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की मानक यामोत्तर या मानक देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक मध्यान रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है, ये भी याद रखिएगा। या प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्जापुर शहर के निकट से गुजरती है, ठीक है। पहले मिर्जापुर बहुत किताबों में मिलता था, नैनी भी मिलने लगा है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है। निकट से गुजरती है, इसे पूरे देश का दोस्तों मानक समय माना जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब भारत के देखिए दोस्तों पांच राज्यों से होकर गुजरती है, और ये पाँच राज्य आपके कौन कौन से हैं तो इन पाँच राज्यों को आपको याद रखना है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसके अलावा एक आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आपका उड़ीसा है और फिर आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश है। तो ये पांच राज्य आप अच्छे से याद रखिएगा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर आपका जो पड़ता है उधर छत्तीसगढ़, यहाँ पे दोस्तों छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, इसके अलावा दोस्तों आपको उड़ीसा याद रखना है और आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। ये पांच राज्य आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनसे होकर गुजरती है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला है। अब यहाँ पे पूछा है भारत जो है
वो दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश इन्होंने कहा है, ठीक है। और इन्होंने कहा है जो कुल मिला के भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपको हमेशा याद रखना है 2.4% आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आसपास की वैल्यू आप बताओगे तो 2.3% आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का नहीं, दक्षिण एशिया की बात करी जा रही है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का 2.4% है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। भारत भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों अगर विश्व का आपसे पूछे तो सातवां सबसे बड़ा देश है, इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी आपको अच्छे से याद की है, रुक ऐसे याद रखना है, रुक एसी जो है ऐसे बाई याद रखना है। तो रुक से आपका रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट्टा मार लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया माउंट आबू, जम्मू, शिमला और द्रास में से भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है। चार ऑप्शन तो उसको देने ही पड़ेंगे। तो भारत का सबसे ठंडा आवासीय जो स्थान है दोस्तों वो द्रास है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए द्रास के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान दोस्तों जो है वो द्रास है। द्रास दोस्तों लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लद्दाख दोस्तों द्रास जो है वो लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः दोस्तों लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये द्रास को कहा जाता है। कहता है द्रास को दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों के रूप में जाना जाता है। तो अब बताओ इस क्वेश्चन से क्या ही आपसे पूछ लेगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा फिर से तो घूम फिर के यही सब पूछेगा। अगला प्रश्न आपको देखना है कि बताइए कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको पता है दोस्तों जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा का है, जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, ये बात आपको पता होगा। और कर्क रेखा भारत के दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य बिल्कुल आपको क्रम से याद होने चाहिए। इधर आप गुजरात से स्टार्ट करिएगा, गुजरात के बाद फिर राजस्थान पे चले जाइएगा, फिर आप मध्य प्रदेश पे चले जाइएगा, फिर आप छत्तीसगढ़ और झारखंड। कंफ्यूजन आपको होती है बिहार की, तो बिहार हमेशा याद रखिएगा, बिहार बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिहार पर बड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपको देखो बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये 3 राज्य ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि एक साथ आपको बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन इसमें बिहार को थोड़ा सा हटा दीजिएगा, इससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। उसके बाद पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर वाले आपके जो हैं त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, बिल्कुल क्रम से। इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, लेकिन मैं इसके लिए ट्रिक आपसे कहूँगा बिल्कुल ना याद रखिए, बिल्कुल सीरियल से आप चीज़ों को याद रखिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे होकर गुजरती है। अब दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा तो ठीक है, मध्य प्रदेश भी ठीक है, राजस्थान भी ठीक है, ओडिशा इन्होंने गलत दे दिया है, यहाँ से जो है कर्क रेखा होकर तो नहीं गुजरेगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे आ जाते हैं। कहता है भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी मैंने आपको गिनाया था, उसमें 7 आपने देखा था। तो भारत की दोस्तों जो भू सीमाएं हैं वो 7 देशों के साथ जुड़ी हुई हैं, आप अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। 7 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की भू सीमाएं दोस्तों 7 पड़ोसी देश के साथ जुड़ी हुई हैं, वे निम्नलिखित देश कौन से हैं। पहले भी आप देख चुके हो, वो है दोस्तों बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। अच्छे से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, सबसे कम साझा करता है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ, ये भी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। कितनी भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। अब दोस्तों हम नेपाल की बात कर लेते हैं, तो नेपाल और भारतीय राज्य से पूछा है। तो आपको पता है इधर साइड में ऐसे नेपाल है, ऐसे आपको पता है ये जैसे नेपाल है, तो यहाँ पर उसने पूछा है कितने भारतीय राज्य, देश तो नेपाल है, अब नेपाल से कितने भारतीय राज्य जो हैं जुड़े हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं।
पांच राज्य सबसे पहले हैं, पांच भारतीय राज्य हैं। एक तो आपका यहाँ पे जो उत्तराखंड आपका पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, ये इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश आपको अच्छे से याद रखना है, और साथ में दोस्तों आपको बिहार भी याद रखना है। इधर साइड होते हुए ये पश्चिम बंगाल भी दोस्तों आ जाता है, इसको भी याद रखना। और सिक्किम तो आपको ये पता ही है, सिक्किम भी याद रखना है। तो बहुत अच्छे से चीज़ें दोस्तों याद रखनी है। नेपाल से भारत के पांच राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार से, फिर पश्चिम बंगाल से, और फिर इधर आप चले आइएगा सिक्किम पर। तो ये पांच ऐसे राज्य हैं जिनके साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है, तो इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। एक दो बार आप मैप अच्छे से देखोगे, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब देखो गुजरात की अगर बात करते हैं, सॉरी अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उससे कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं या कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ भी देखो पांच ही आपके हैं, नेपाल से भी पांच हैं, पाकिस्तान से भी पांच हैं। अब नेपाल के बारे में आप बताओ कौन नहीं जानता, सॉरी वो तो मैंने बता दिया। पाकिस्तान इधर साइड में आप देखते हो, पूरा भारत इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो पाकिस्तान से सबसे पहली बात, ये जो शेर के मुंह के जैसा बना होता है गुजरात, ये अपनी सीमा साझा करता है। बगल में इसके दोस्तों राजस्थान होता है, ये भी अपनी सीमा साझा करता है। बात आती है पंजाब की। अब पंजाब और हरियाणा में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, पंजाब के बाद ये नीचे हरियाणा इधर रहता है, तो वो हरियाणा कभी आपको ऑप्शन में मिलेगा जरूर, उसको मत आप टच करिएगा। पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। तीन तो आपको ये याद रखने हैं, कौन कौन से, गुजरात है, इसके अलावा आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, गुजरात के बाद राजस्थान है, पंजाब है। और पहले दोस्तों आपको पता है कि लद्दाख नहीं करता था, ठीक है। अब आपका कश्मीर और लद्दाख दोनों आपको याद रखने हैं। तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के पांच ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं चाइना से, तो चाइना से भी पांच हैं, चाइना से भी पांच हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चाइना आपको पता है, जैसे ये नेपाल है, इधर कहीं आपको इधर चाइना मिलेगा। तो चाइना के साथ जो चीज़ें, जो राज्य हैं, पहली बात तो आपका ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला सिस्टम ये जो ऐसे हो गया है, तो अब केवल लद्दाख जो है अपनी सीमा साझा करता है चाइना के साथ। और यहाँ पे आपको पता है जो लद्दाख सीमा साझा कर लेता है, फिर आपने अभी पढ़ा था कि ये आपका हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड तो नेपाल से लग रहा था, तो ये जो हिमाचल प्रदेश है ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड भी चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यहाँ पे आपका सिक्किम पड़ता है वो भी करता है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश जो पड़ता है वो भी करता है। तो कौन कौन से हैं भाई, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है कि देखो आपको ये भी याद रखना है कि नेपाल से जो है पांच ही राज्य जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान से पांच राज्य, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन में भी दोस्तों जो हैं वो पांच ही हैं। अब चीन की अगर हम बात करते हैं, तो चीन में आप देख लो, चीन में आपके कौन कौन से हैं। चीन में अगर हम सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को पहले छोड़ देते हैं, तो चीन आपको देखना पड़ेगा कि चाइना, जैसे मैं नॉर्मली आपके लिए सामने से बना देता हूँ कुछ, आप देखिएगा गौर से कि ये मैं ऐसे इस तरीके से, इतना मैं इस तरीके से लद्दाख ये बना दिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर इधर है, इसको छोड़ दिए, तो ये पूरा पूरा आपका लद्दाख जो है इससे कवर, मतलब टच करेगा। फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, तो हिमाचल प्रदेश भी टच करता है। फिर आपका इधर उत्तराखंड आ जाता है, ये भी आपका टच करता है। फिर ये तो नेपाल आ जाता है, अब नेपाल तो देश है, तो यहाँ पर आपका पता है आपको सिक्किम आता है, सिक्किम के बाद फिर भूटान आता है, भूटान के बाद फिर दोस्तों जो स्टार्ट होता है वो अरुणाचल प्रदेश होता है। तो ये एक अरुणाचल प्रदेश, ये आपका चाइना से सीमा साझा करेगा, ये आपका सिक्किम साझा करेगा, सिक्किम के पहले आपका ये तो सब पूरा नेपाल ही हो जाएगा, ये आपका उत्तराखंड, इसको यूके लिख देता हूँ, ये आपका हिमाचल प्रदेश, इसको एचपी लिख देता हूँ, और ये आपका लद्दाख है, तो ये लद्दाख। तो कौन कौन से पांच हो जाएंगे जो चाइना से अपनी सीमा साझा करेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सारे आपके राज्य हैं। अब भूटान से अगर चलो बात करते हैं, अब भूटान की अगर बात करते
रहे हैं ना, तो भूटान से आपको देखना है कितने राज्य अपनी सीमा साझा करेंगे। तो दोस्तों भूटान से चार करते हैं, भूटान से आपको याद रखना है चार हैं। कौन कौन से हैं भूटान की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात हम भूटान की स्थिति जानते हैं कि भूटान कहीं नेपाल के बाद सिक्किम, जैसे ये नेपाल है, इधर आपका सिक्किम आता है, फिर भूटान आता है। तो जैसे ये भूटान है तो इससे बगल में तो सिक्किम है, तो ये तो टच करेगा ही करेगा। और सिक्किम के बाद इधर मैंने अभी आपको बताया था कि वो अरुणाचल प्रदेश आता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश भी टच करेगा। अब जो भूटान है ना, भूटान के नीचे आधा इधर जो है ये इसको क्या करता है, असम कवर कर लेता है। असम, ये भूटान के आधे नीचे जो होता है इसको असम कवर कर लेता है। मेन इसमें चीज़ ये देखने वाली है भूटान में कि जो पश्चिम बंगाल है वो भी इधर से होकर आता है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी क्या करता है भूटान को टच करता है। तो आपके कौन कौन से बन गए भूटान से, आप बगल वाला बिल्कुल याद रखिएगा सिक्किम, और उसके इस तरफ वाला याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नीचे वाला आपको याद रखना है असम, और इधर साइड से नीचे की तरफ ही आता है पश्चिम बंगाल। तो ये चार आपको जो है राज्य याद रखने हैं। तो ये सामने आपके लिखे हुए हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये चार आपको याद रखने हैं। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ जो है भारत अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, बांग्लादेश जो है भारत के साथ अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भी पांच ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बांग्लादेश आपको पता है, इधर अगर मैं इधर आ जाता हूँ पश्चिम बंगाल के साइड में, इधर आपका बांग्लादेश का एक अलग सिस्टम चलता है। तो बांग्लादेश के अगर पूर्व की तरफ बात करें तो पूरा इसको इधर से जो ढके रहता है वो पूरा इधर इसको जो ढके रहता है वो इधर पूरा इसको पश्चिम बंगाल ढके रहता है। तो इधर बाकी कुछ भी नहीं होगा, इधर ऊपर फिर जो है पश्चिम बंगाल रहेगा, पश्चिम बंगाल के इधर ऊपर सिक्किम रहेगा, यहाँ इधर नेपाल। तो इधर पूरा अगर हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें। अब बांग्लादेश के ऊपर आपको देखना है इस साइड, उत्तर की साइड आपको देखना है, तो ये बांग्लादेश के ऊपर इधर असम पड़ जाता है और उसके नीचे मेघालय। तो असम और मेघालय वाला भी जो है ये बांग्लादेश टच करता है। भाई बांग्लादेश जैसे मैं इस तरीके से ऐसे बनाऊँ, बांग्लादेश इस तरीके से ऐसे बना देता हूँ, तो इधर तो आधा जो है इधर ऐसे पश्चिम बंगाल टच कर लेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद ऐसे जैसे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ऐसे मैं लाऊँ ऐसे, तो ये आपका क्या है, वो असम कच्छ का, इसी के इधर किनारे बीच में इधर जो है ये इसको जो है टच करता है। कौन, मेघालय भी टच करता है, और साथ में बांग्लादेश के इधर साइड में जो है इधर त्रिपुरा भी आ जाता है, त्रिपुरा, और इधर से थोड़ा सा त्रिपुरा के बाद जो है मिजोरम भी आ जाता है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब म्यांमार की बात करते हैं, तो म्यांमार आपको पता है इधर साइड में इधर आप म्यांमार देखोगे, तो म्यांमार से जो आपकी सीमा साझा होती है वो कितने हैं, तो म्यांमार से आपके केवल और केवल दोस्तों चार हैं, ठीक है, म्यांमार से केवल और केवल चार हैं। तो म्यांमार से कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले अगर ऊपर से देखें तो अरुणाचल प्रदेश इधर पूरा ऐसे आके म्यांमार को ऐसे यहाँ पर टच कर लेता है, ठीक है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर आपका जो टच करता है वो आपका टच करता है मणिपुर, मिजोरम, और साथ में दोस्तों आपका टच करता है ऊपर नागालैंड। तो ये नागालैंड ये आपका इधर हो जाता है मणिपुर, और इधर नीचे हो जाता है मिजोरम, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया गया है कि अफगानिस्तान की सीमा जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। अब इसको ध्यान से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा था कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है, तो पांच, ठीक है, नेपाल से पांच राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। मैंने डिटेल में आपको बात बताई, बांग्लादेश के साथ भी पाँच हैं, चीन के साथ भी पाँच हैं, पाकिस्तान के साथ भी पाँच हैं, चार वाले आपको म्यांमार और भूटान याद रखना है, और अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं केवल और केवल लद्दाख है, ठीक है, 106 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो देखो अगर हम यहाँ पर द्वीप समूहों को मिला लेते हैं तो ये आपको याद रखना है 7516.6 किलोमीटर में लगभग में आती है, जिसको 7517 मान लेते हैं, 7517 किलोमीटर मान लेते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आपको चीज़ें देखनी है कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर है, भारत विश्व का सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है,
देखो दोस्तों, भारत में गुजरात राज्य की जो सबसे, अब अगर हम एक चीज देखें तो भारत में 9 राज्य दोस्तों ऐसे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जो है समुद्री तट रेखा से लगी हुई हैं, जिसमें जो गुजरात की समुद्री तट रेखा है सबसे लंबी और सबसे छोटी अगर तट रेखा बात करते हैं समुद्री तट रेखा, तो वो गोवा की है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करें ना कि ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 9 राज्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए, 9 राज्यों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इधर से आप गुजरात से स्टार्ट करोगे तो अरब सागर जो है उधर 5 है और बंगाल की खाड़ी की तरफ 4 है। तो आप गुजरात स्टार्ट करो, गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, गोवा, कर्नाटक, केरल ये ले लो। फिर बंगाल की खाड़ी की साइड देखोगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करते हैं तो पुदुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहते हैं भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने भारत देश का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा है, तो दक्षिणतम बिंदु दोस्तों जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ये भारत देश का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, भारत की मुख्य भूमि का नहीं पूछा है। तो भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है, तो वो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, और वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ दे तो वो केप कोमोरियन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जिसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं, केप कोमोरियन भी बोलते हैं, तमिलनाडु में। तो ये बात आपको याद रखना है। अब इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, इसको ध्यान से आपको देखना है। चलिए देख लेते हैं। कहता है भारत देश का सबसे दक्षिणतम, तो यहाँ पर इस डिटेल को आपको देखना है कि भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीपी भारत का अगर सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप कोमोरियन कन्याकुमारी, और सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात करी जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों किबिथू है, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात में गुहार मेती है, गुहार मोती, और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो लद्दाख में इंदिरा कॉइल है। तो ये आपको अच्छे से चारों इधर के याद रखने हैं। ठीक है, ये इधर याद रखना है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। अगर ये पूरा मैं ग्लोब बना लेता हूँ, ये विषुवत रेखा बना लेता हूँ, और ये आपकी जो वो वाली आपकी जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बना लेता हूँ, तो भारत का कुछ स्थिति यहाँ पे है। तो इधर से अगर हम देखें तो पूर्व साइड में है पूरा, और इधर इस वाली लाइन के हिसाब से देखें तो उत्तरी साइड में है। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 अंश से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है, तथा अगर 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और कर्क रेखा दोस्तों जो है भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। तो ग्रीनविच माध्य से 0 डिग्री पर है, ग्रीनविच माध्य 0 डिग्री पर है, और भारतीय मानक समय ये 82.5 डिग्री मानी जाती है, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट के बराबर होते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सही से तो ये आपका निकल के आता है 5 घंटे 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय IST जो है वो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश।
अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। तो वो जो GMT है उससे 5.5 घंटे आगे, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है GMT प्लस 5:30। आगे आते हैं, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है। अब आपसे भारतीय राज्य पूछा है और आपसे पूछा है सिक्किम से उसकी सीमा जुड़ी हुई है। अगर अभी मैंने आपको बताया था कि ध्यान दो भाई, ये नेपाल इधर पड़ता है, यहाँ पे आपका बीच में सिक्किम छोटा सा पड़ता है और बगल में आपका स्टार्ट हो जाता है भूटान, बगल में भूटान स्टार्ट हो जाता है, और इसको टच करने के लिए जो एक राज्य इधर से निकल के आता है वो इधर से निकल के आता है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा राज्य जो है, जैसे मैंने बताया, वो सिक्किम से जो लगा हुआ है वो है आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। देखो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। ये सब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल की सीमा से सीमा साझा करता है। ये सारी बातें आपको अगर फिर से बताऊं मैं, तो ये सिक्किम समझ लीजिए, इधर भूटान समझ लीजिए, इधर नेपाल समझ लीजिए, इधर चाइना समझ लीजिए और नीचे आपका पश्चिम बंगाल, समझ गए। अगला देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सभी को पता है भारत एवं पाकिस्तान। तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ सीमा रेखाओं से आपसे पूछे जाते हैं। रेडक्लिफ रेखा आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा की अगर बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा आपको याद रखना है भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और ये आपका जो डूरंड रेखा है इसकी अगर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान, देखो भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर है, यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोल दिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान आप याद रखिएगा। और अफगानिस्तान की यह रेखा जो है वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। तो डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपसे ऑप्शन में भारत और अफगानिस्तान कहे तो आप याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही तो बना है ना, तो यहाँ पे इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक चीज़ आपको देखना है ओडर नीस रेखा के बारे में। ओडर नीस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो आपको पता है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड जो कहते हैं वो शिलांग शहर को कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं स्टैटिक GK में कि भाई निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड दोस्तों शिलांग को कहा जाता है, शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की राजधानी है शिलांग, ठीक है। शिलांग और उसके आसपास का इलाका इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि उसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है, तो ये बातें याद रखना। अगला प्रश्न देखो, कहता है काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है दोस्तों ये राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। कहता है काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है वो राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। यह समुद्र तट व समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो भारत की जो 7 बहनें जिनको आप 7 सिस्टर बोलते हो उसमें कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है और कौन सा शामिल नहीं है। जैसे मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हो सिक्किम बिल्कुल शामिल नहीं है, सिक्किम जो है वो शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो 7 सिस्टर्स के नाम से फेमस हैं, ठीक है, वो हैं आपका अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है,
फिर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये सात आपको याद रखने हैं। ये सात राज्य दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम जो है आपको पता ही है कि पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के समान है, इसको भी याद कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है? बांग्लादेश की बिल्कुल जुड़ी हुई है दोस्तों, चीन की भी जुड़ी हुई है, म्यांमार की भी जुड़ी हुई है, तजाकिस्तान की नहीं जुड़ी हुई है। तो आपको याद रखना है ये जो तजाकिस्तान आपको दिया गया है इसकी नहीं जुड़ी हुई है। आपको पता है ना कि भारत इस तरीके से अगर देखा जाए तो इधर आपका पूरा पाकिस्तान आ जाता है, फिर इधर अफगानिस्तान, इधर आपका थोड़ा सा यहाँ, इधर तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान की सीमा भारत की नहीं लगती है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? अब देखो यहाँ पर भारत के अंदर के जो राज्य हैं उन्हीं की बात कर दी गई, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में गुजरात आता है कि गुजरात भैया इधर इस तरीके से, थोड़ा गुजरात इस तरीके से समझ में आता है। गुजरात के नीचे ही तो इस तरीके से महाराष्ट्र चालू होता है, महाराष्ट्र इस तरीके से यहाँ पर चालू होता है महाराष्ट्र, तो गुजरात की सीमा तो महाराष्ट्र से लगी ही हुई है। उसके बाद इसके ऊपर जो आता है वो पूरा पूरा इसको कवर कर लेता है एमपी, महाराष्ट्र को ऊपर से पूरा कवर कर लेता है एमपी, एमपी पूरा कवर कर लेता है महाराष्ट्र को, ठीक है। इधर बगल में अगर हम बात करते हैं तो इधर महाराष्ट्र को इधर ऐसे अगर देखते हैं तो इधर पूरा ऐसे कवर करता है छत्तीसगढ़, पूरा इधर कवर करता है छत्तीसगढ़। इधर नीचे की साइड से आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इधर कवर करता है ये आपका कौन, ये तेलंगाना कवर करता है, और भी बाकी जो इधर कवर करता है वो पूरा कर्नाटक कवर करता है। किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ी हुई है? तो ओडिशा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इधर तेलंगाना है, ये आपका जो छत्तीसगढ़ इधर है, इधर साइड में कहीं ओडिशा आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र की जो सीमा है वो गुजरात से, इसके अलावा दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश से, साथ में दोस्तों छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटक से, साथ में गोवा, छोटा सा गोवा साइड में उससे भी लगती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ओडिशा आएगा। भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक राज्यों के साथ लगती है, जबकि ओडिशा राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, हाँ उड़ीसा की पश्चिम बंगाल हो गई, झारखंड हो गई, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गई और आपका छत्तीसगढ़ हो गई, इनसे लगी है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? अब नेपाल के बारे में आपको मैंने अभी बताया ही, जैसे ये नेपाल है, तो पहले भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो इसके नीचे बिहार भी समेट लो, इसके नीचे उत्तर प्रदेश भी समेट लो, साइड में आपको उत्तराखंड भी समेट लेना है, और इधर आपको थोड़ा सा सिक्किम समेट लेना है, और इधर पश्चिम बंगाल समेट लेना है। तो यहाँ पर बिहार ऑप्शन में दिया गया ठीक है, उत्तराखंड दिया है ठीक है, पश्चिम बंगाल दिया गया ठीक है, झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, झारखंड से कोई लेना देना नहीं है नेपाल का, क्योंकि बिहार के नीचे इधर झारखंड आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आते हैं। दायित्व तो है कि भारत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ लगती है। भारत श्रीलंका के साथ जली सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा बांग्लादेश के साथ, सबकी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। कहता है सीमा जो है वो विश्व की पांचवें सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है इनमें से, भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश में से जो विश्व की पांच सीमाएं हैं, पांचवें नंबर पे ये वाली सीमा आती है लंबाई के आधार पर। तो विश्व में किन्हीं भी दो देशों के मध्य सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से भारत बांग्लादेश की सीमा पांचवें नंबर पर है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश अमेरिका और कनाडा हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये बड़े अच्छे से आपको याद रखिएगा, कुछ आपको डिग्री चैनल याद रखने हैं। तो यहाँ पे जब भी बात आपसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की करी जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपको याद रखना है दोस्तों। अंडमान निकोबार से रिलेटेड आपका आ जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं कि जैसे 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड है,
और अगर आपसे 8 डिग्री चैनल की बात करी जाए तो वो दोस्तों आपका मालदीव और मिनिका है, मिनिका है आपका भारत का है, तो मालदीव और मिनिका है। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो लक्षद्वीप और मिनिका से रिलेटेड है। 10 डिग्री चैनल आपने देख लिया अंडमान और निकोबार, एक ग्रेट चैनल के नाम से प्रसिद्ध है जो आपके सुमात्रा, और अगर हम बात करते हैं जो ग्रेट चैनल है वो सुमात्रा और आपका कौन सा है निकोबार, ठीक है। ग्रेट चैनल जो है अगर इसकी बात करें तो जो निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है उनके बीच में, एक आपका पाक स्ट्रेट है जो आपसे पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका। अब भारत और श्रीलंका में अगर बात करी जाए तो भारत में आपका जो है वो तमिलनाडु आ जाता है, भारत में जो राज्य है तमिलनाडु और उधर जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका का जो एक जाफना प्रायद्वीप है उससे ये टच करती हैं, मतलब इनके बीच में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो फिर से आपसे 10 डिग्री चैनल से पूछा गया है, 10 डिग्री जलसंधि इनमें से किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्चिमी अंतराल, देखो आपका ये सुदूर पूर्वी और पश्चिमी, ये पश्चिमी और पूर्वी के बीच में लगभग 30 डिग्री देशांतर का डिफरेंस है, तो ये 30 डिग्री देशांतर का 120 मिनट बनता है, मतलब 2 घंटे का अंतराल आता है, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है, तो 2 घंटे पहले होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार से पृथक होता है, तो ये पाक जल संधि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक पाक जल डमरू मध्य याद रखना है भारत एवं श्रीलंका के बीच, सुंडा जल डमरू मध्य दोस्तों सुमात्रा और जावा द्वीप याद रखना है, इसके अलावा बास जल डमरू मध्य दोस्तों तस्मान सागर और दक्षिण सागर याद रखना है, हडसन जल डमरू मध्य दोस्तों हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच में याद रखना है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा की बात करी जा रही है, इनमें से किस राज्य में है, तो ये गुजरात में, सबसे कम गोवा में, करेक्ट आंसर ए है। तो भारत में सबसे लंबी भू तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, लंबी भू तट रेखा वाले शीर्ष राज्य आपके गुजरात सबसे पहले आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, तो इनको याद रखेंगे क्रम से। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा असम से बिल्कुल नहीं होकर गुजरती है, 8 राज्य मैंने आपको बताए थे बिल्कुल डिटेल में याद रखना, गुजरात आपको याद रखना है, राजस्थान आपको याद रखना है, उसके अलावा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, मैंने बिहार हटा दिया था, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, तो पाकिस्तान से गुजरात था मैंने बताया था, राजस्थान बताया था, उसके बाद आप पंजाब बताया था, फिर आपका जम्मू कश्मीर बताया था, और आपको कौन सा बताया था जम्मू कश्मीर के अलावा पाकिस्तान से लद्दाख, ये मैंने 5 आपको बताए थे, तो गुजरात भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा नहीं है, तो ए बी सी किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, मैंने बताया था आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है, इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, फिर आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो याद रखना ही रखना है, और साथ में एक आपको कौन सा याद रखना है जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हम यहाँ पे कैसे बता पाएंगे, तो भारतीय मानक समय की रेखा के ये 4 तो आपको बड़े अच्छे से याद रहते हैं, 4 आपको बड़े अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन ये जो 5वां है ना वो छत्तीसगढ़ वाली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, छत्तीसगढ़ जो इधर आता है इधर, उड़ीसा आंध्र प्रदेश तो आपको याद रहता है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ठीक है, छत्तीसगढ़ भी ठीक है, उड़ीसा भी ठीक है, बिहार ठीक नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। इसके बारे में सारी बातें आपको बता ही चुका हूं। आगे देखो, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। अब देखो चीन, अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का चाइना से नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा है। सिक्किम का नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा है। सिक्किम का भूटान से नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो यही एक ऐसा राज्य है इन 4ों में से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है।
इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। अब नेपाल के लिए हम लोग बहुत अच्छे से दोस्तों पांच राज्यों के बारे में बात कर चुके थे नेपाल के लिए, वो आपके कौन कौन से देश हैं। ये नेपाल था, तो इधर उत्तराखंड था आपका, उत्तर प्रदेश था, इसके अलावा बिहार था, साइड में पश्चिम बंगाल भी था, और नेपाल के बाद आपका छोटा सा आपको सिक्किम मिल जाता था। मिलता था कि नहीं मिलता था? मिल जाता था। तो ये आपका उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तराखंड भी ठीक है, त्रिपुरा ये गलत है, बिहार ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो वन एंड ओनली दोस्तों ये आपका कौन सा है, ये आपका है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ी चीजें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश जो है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है, इससे सबसे ज़्यादा राज्य लगे हुए हैं और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी लगा हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश का एक दोस्तों क्वेश्चन बनता है सोनभद्र जो है, सोनभद्र ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है वो देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा को टच करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इधर लगे रहेंगे, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश उनमें सबसे कम सीमा साझा करता है। फिर आपका इधर हरियाणा भी लगा रहेगा, फिर आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ भी मिल जाएगा दोस्तों, झारखंड भी मिल जाएगा और बिहार भी मिल जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी मिल जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका से जुड़ी हुई है, तो ये उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी हुई है, तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो बांग्लादेश के साथ बताओ किसकी सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश पहले ही मैं बचा चुका हूँ आपको, बांग्लादेश के बारे में आपको पांच राज्य आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक साइड आपको पूरा पश्चिम बंगाल याद रखना है, ऊपर आपको असम और मेघालय दो चीज़ें याद रखनी है, इधर त्रिपुरा और मिजोरम याद रखना है, तो यहाँ पर आपका मणिपुर तो नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएँ नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं। तो नेपाल, फिर से वही बात है, नेपाल के साथ आपके नीचे बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर आपका एक सिक्किम हो जाएगा, इसके अलावा अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो उत्तराखंड आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, और साथ में आपका इधर साइड में पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो नेपाल के पांच राज्य आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम याद रखना है। यहाँ पर एक झारखंड ऑप्शन दे दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए, तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाता तो वो तो आपका जम्मू कश्मीर होता। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर है, और सबसे छोटा दोस्तों जो है वो लक्षद्वीप है, तो ये याद रखिएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो सिक्किम है, ये बातें याद रखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा, ठीक है, ये बात भी याद रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो दिल्ली करिएगा, और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप ही होगा, जो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पर जो पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप सबसे बड़ा पूछता तो बता देते आप जम्मू कश्मीर, जनसंख्या की दृष्टि से पूछते सबसे बड़ा दिल्ली बता देते और केंद्र शासित प्रदेश, और छोटा पूछते तो वो लक्षद्वीप ही होता। बात को समझ गए, यहाँ पे अब डिटेल आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत से अधिकतम दूरी पर है, भारत से अधिकतम दूरी पर है उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक वृत्त है, मकर रेखा है या दक्षिणी ध्रुव है।
तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। भारत से अधिकतम दूरी पर जो है वो दक्षिणी ध्रुव है। अक्षांश किसी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में होती है। इसे किसी भी ध्रुव की दिशा में भूमध्य रेखा से डिग्री अंश में मापा जाता है। इसी प्रकार से जीरो डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को, अगर जीरो डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को बात करें तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ध्रुव, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसको दक्षिणी ध्रुव बताता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा भारत से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ये बात आपको पॉइंट आउट करनी है। जीरो डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, इधर का भाग उत्तरी गोलार्ध होगा, इधर का भाग दक्षिणी गोलार्ध होगा, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है, इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? वो तो आपको पता ही है, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? कितनी बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बांग्लादेश से 5 राज्य आपको याद रखने हैं। एक तो आपको देख लेना है ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल नहीं दे रखा है। पहले तो सब में दे रखा है, इधर आपका ये पश्चिम बंगाल, ऊपर आपका असम और मेघालय, दो राज्य हो जाएंगे, इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल ठीक है, असम और मेघालय ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम भी ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं। तो भाई जो केरल से अक्षांश रेखा गुजरेंगी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं केरल की, तो यहाँ नीचे वाला जो पार्ट इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से पार्ट ये आपका केरल आता है और इधर ही आपका ये बन जाता है तमिलनाडु। तो जो अक्षांश रेखा केरल से होकर गुजरेगी वो आपकी तमिलनाडु से होकर जरूर गुजरेगी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? ये तो बिल्कुल रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। 12 प्रवाल द्वीप दोस्तों जो लक्षद्वीप है वहां है, तो लक्षद्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकतर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसकी राजधानी जो है कवरत्ती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल पट्टिका या जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? सभी को पता है पाक वाला कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए ये है, बताइए भाई भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन है? अब मुख्य भूमि पूछ दिया तो कन्याकुमारी आपको बताना है, जिसको केप केमोरियन भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उसके पहले थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है, या हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। पंबन द्वीप प्रायद्वीपी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, इस द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो भारत को दोस्तों अगर हम बात करते हैं कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो भारत को दोस्तों बांटा जाता है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो आप देख सकते हो उत्तरी पर्वत श्रृंखला, जो उत्तर में पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, तो उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा थार मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। इन 6 भौगोलिक स्रोतों क्षेत्रों में इसको बांट दिया गया है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भाई त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान से होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको अच्छे से पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है कौन? तो ये कर्क रेखा ही करती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है, तो भारत जो ये आपका भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, इधर से अगर हम बात करते तो 8 डिग्री 4 अंश जो आपका ये उत्तरी अक्षांश पड़ता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 8 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु, सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है
इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका लिए कुछ इस तरीके से है, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? फिर से ऑप्शन में आपको इंदिरा पॉइंट दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कहते हैं इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी सिरा है उस पर स्थित है, इसको याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी सिरा है उस पर आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित हैं? तो भारतीय जो राज्य हैं वो 9 हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 5 हैं, मैंने बताया थे अभी आपको, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है इसको याद रखिएगा। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, अगर ये देखो क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2017 में, दोस्तों क्वेश्चन कब पूछा गया है तो 2017 में आपसे पूछा गया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे देखो भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की डिटेल थोड़ा हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में 4 कहीं दिया ही नहीं गया है कि भारत के समुद्री तट से संबद्ध राज्यों की संख्या 9 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5, अब क्यों? प्रश्न के समय दमन और द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी हैं, लेकिन अब आपको पता है ना भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, तो ये तो 9 राज्य हो गए, ठीक है। ज्ञात होता है कि 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए प्रेजेंट टाइम पे अगर अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे 5 ना करके 4 केंद्र शासित प्रदेश बताइएगा, ठीक है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आपको बताने हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश आपको अच्छे से बताने हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं। केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा लक्षद्वीप 2 हो गए, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप ये सब एक ही हैं, तो ये तीसरा हो गया, और एक आपका पुदुचेरी चौथा हो गया, तो ये बातें याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। अब देखो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा आपकी अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी से आपको बताना पड़ेगा, तो ये तो आंध्र प्रदेश आपका इधर पता है ना, तमिलनाडु इधर है, इधर आंध्र प्रदेश शुरू होता है, उसके बाद आपका उड़ीसा आता है, तो ये तो आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूटान आपका ये है, चीन आपका ऊपर है, म्यांमार इधर है, कि सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो आपसे पूछा क्या गया है? भूटान, इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है? चीन, तो भूटान और चीन, साथ में आपसे क्या पूछा गया है? भूटान, चीन और म्यांमार, तो भूटान, चीन और म्यांमार की जो सीमा है वो किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो भूटान की सीमा त्रिपुरा से तो बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है क्या? नहीं जुड़ी हुई है। असम से जुड़ी हुई है क्या? भूटान की सीमा जो है असम से यहाँ जुड़ी हुई है। चाइना की सीमा क्या असम से जुड़ी हुई? नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अरुणाचल प्रदेश देखो भूटान से भी जुड़ा हुआ है, चीन से भी जुड़ा हुआ है और म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो शहर आपको याद रखना है चेन्नई, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित मरीना बीच है, जो कि दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि यहां से सूर्यास्त देखना एक सुखद अनुभव देता है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो आंध्र प्रदेश तो बंगाल की खाड़ी, ओडिशा बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री तटीय रेखा अरब सागर से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पर आपसे देश पूछा जा रहा है, पश्चिम बंगाल से अगर देश पूछा जाए तो वो 3 ऐसे देश हैं जिनके साथ अपनी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ इधर से करता है, भूटान से करता है, साथ में नेपाल से भी करता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा,
आकार के मामले में भारत देश का सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, ये आपको पता ही होगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऐसे आपका क्रम याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? भैया नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश बिल्कुल करता है, याद रखें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश दोस्तों नहीं करता है, क्योंकि वो उत्तराखंड के ऊपर है, तो उत्तराखंड करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, उत्तराखंड करता है, और बिहार भी करता है, साथ में पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। अब नेपाल भारत के पूर्व में तो नहीं है भैया, श्रीलंका भी पूर्व में नहीं है, चीन भी पूर्व में नहीं है, बांग्लादेश पूर्व में है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पे डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा है, बताएं बंगाल की खाड़ी डैश, बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है, तो बंगाल की खाड़ी भारत के किधर हो जाएगी? अब पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम में तो पूर्व ही ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान के साथ पंजाब भी करता है, गुजरात भी करता है, राजस्थान का, मैंने कहा था ना हरियाणा ऑप्शन में मिलेगा आपको, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो नेपाल है इनमें चारों में से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? चीन के साथ लगती हैं, म्यांमार के साथ लगती हैं, भूटान के साथ लगती हैं, तजाकिस्तान मैंने बताया था अभी आपको, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ दोस्तों असम, मेघालय दोनों होता है, पश्चिम बंगाल साइड में होता ही होता है, त्रिपुरा और मिजोरम इधर होता है, झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो भाई बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? अब पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, इधर पश्चिम बंगाल की इधर बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से एक चीज आपको याद रखनी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, पश्चिम बंगाल सबसे पहले तो तीन देशों की, लेकिन अब यहाँ पे बात करी जा रही है राज्यों की, तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके साथ पश्चिम बंगाल भारत के पश्चिम बंगाल के साथ साझा करते हैं? तो ये लंबा सा ऐसे पश्चिम बंगाल जो आता है इधर साइड में, तो पश्चिम बंगाल से सबसे पहली बात इधर तो असम लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है? असम लगा हुआ है, असम एक आपको देख लो ऑप्शन में कहीं दिया है, असम नहीं दिया है, नहीं वाला पूछा है, एक आपका असम हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल के ऊपर इधर सिक्किम आता है, सिक्किम एक भारतीय राज्य है जो करता है, तो ये तो आपका करेगा, सिक्किम करेगा, ठीक है। असम के नीचे इधर मेघालय आता है जो पश्चिम बंगाल से करता ही नहीं है, क्योंकि इधर पूरा फिर बांग्लादेश आ जाता है, तो मेघालय तो नहीं करेगा, तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की अगर बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से झारखंड, बिहार दोनों इस साइड, बिहार भी और झारखंड भी दोनों करते हैं, तो बिहार और झारखंड दोनों हो जाएंगे, और पश्चिम बंगाल आपको पता है इधर नीचे उड़ीसा, इसके उड़ीसा भी करता है, तो करेक्ट आंसर यहां पे जो होगा वो मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान आ गया और राज्य पूछा गया, तो भूटान ऐसे बगल में इधर बगल सिक्किम, इधर आपका कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नीचे आपका असम हो जाएगा, और इधर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो नागालैंड तो नहीं करता है। अगर हम मेघालय की बात करें तो असम के नीचे मेघालय, ये भी नहीं करता है। मणिपुर की बात करें, वो इधर साइड है, वो भी नहीं करेगा। अरुणाचल प्रदेश करेगा क्या? तो भाई अरुणाचल प्रदेश आपका कर देगा, क्योंकि भूटान के इधर आपका सिक्किम है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल का अर्थ उगते सूर्य का पर्वत होता है। इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में अगर बात करते हैं असम और नागालैंड, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से मिलती हैं। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था, इसकी राजधानी ईटानगर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के जो पश्चिम में अरब सागर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य आपसे पूछा जाए, तो उत्तरी राज्य जो है, राज्य पूछा गया है पहली बात, तो यहाँ पे भारत का सबसे उत्तरी राज्य, अब ऑप्शन अकॉर्डिंग देखो, प्रश्न के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर था, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात तथा सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अब अगर पूछा जाए तो भारत के सबसे
उत्तर में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है। तो ये सारी बातें याद रखना, 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए इस अकॉर्डिंग आंसर आपका जम्मू कश्मीर दे दिया गया है। अब आपसे पूछे भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका लद्दाख आएगा, याद रखें। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश प्रायद्वीपी भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। तो देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपी भारत आपसे पूछ दिया है, तो इसलिए कन्याकुमारी इसको केप कैमोरियन भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। प्रायद्वीपी भारत अथवा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारतीय भू क्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो निकोबार द्वीप पर स्थित है। वैसे आंसर तो इसका कन्याकुमारी होनी चाहिए, आरआरबी ने निरस्त कर दिया, तो आरआरबी जाने वो। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो त्रिकोणीय आकार का एक जो है, भारत का जो दक्षिणी भाग है वो त्रिकोणीय आकार का एक प्रायद्वीपी है। प्रायद्वीपी आपका याद है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो दोस्तों निम्नतम बिंदु है वो यहाँ से आपको बताया गया है कुटनाड, ऑप्शन नंबर बी। चलो ध्यान से देखते हैं, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। इसकी चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु निम्न है, दक्षिणतम बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉयल, पश्चिमी बिंदु गौहर मोता और पूर्वी बिंदु कीबितुआ चब। निम्नतम ऊंचाई जो है वो आपको याद रखना है कुटनाड केरल का है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो डूरंड जो है वो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बतानी है, यहाँ पे आपको भारत और अफगानिस्तान में मिल जाता है। रेड क्लिप आपका भारत पाकिस्तान है। हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड से याद रखना हिंडनबर्ग, ठीक है। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी, हिंडन का ना ले लेना तो जर्मनी हो जाएगा, डा ले लेना पोलैंड हो जाएगा। मैन रहीम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 24वीं समांतर रेखा दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। मैकमोहन लाइन भारत और किस राज्य के बीच की सीमा रेखा है, तो मैकमोहन लाइन जो है भारत और किस अन्य देश सॉरी के बीच में है, तो वो चीन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, तो वो रेड क्लिफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा को निर्धारित किया था, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का कितना हिस्सा है, तो कुल क्षेत्रफल का ये आपको पता है 2.4% है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का। अगला प्रश्न है, आईसीटी जो है वो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पीकेटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितने मिनट आगे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है 30 मिनट आगे है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 30 मिनट आगे है, इसको अच्छे से याद रखें। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, म्यांमार के साथ दोस्तों 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, मैंने पहले भी म्यांमार के बारे में बताया था, जैसे कि वो अरुणाचल प्रदेश ऊपर से आ जाता है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अलावा अगर हम बात करते हैं म्यांमार से, तो वो आपका नागालैंड है, फिर मणिपुर है और मिजोरम है, जो 4 हैं। तो मिजोरम ठीक है, मणिपुर ठीक है, नागालैंड ठीक है, असम ठीक नहीं है, असम की जगह अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बन जाएगा। भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है, तो भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है, तो अगर जल सीमा रेखा की बात करते हैं कितने देशों से मिलती है, तो अगर हम देखें तो मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जिसमें आपका इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इसके अलावा दोस्तों जो है वो पाकिस्तान के साथ स्थल और जल सीमा दोनों मिलती है, और बांग्लादेश के साथ स्थल एवं जल सीमा दोनों मिलती है, म्यांमार के साथ स्थल एवं जल सीमा दोनों मिलती है, तो कई सारे हैं, बट इनमें ऑप्शन में इन्होंने शुद्ध दिया ही नहीं, तो इसको जो है गलत कर दिया गया था क्वेश्चन। भारत के साथ अपनी सीमा, भारत डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है, तो इनमें से अगर देखा जाए इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस, इनमें से देखा जाए तो ये भारत जो करता है वो भारत किसके साथ, म्यांमार के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है, इसको याद रखिएगा। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है,
भारत की सीमा से लगने म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य अभी मैंने बताया आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है। ठीक है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, सभी को पता है पाक की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा इसका क्या है, कहता है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की करती हैं जैसे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जैसे करती हैं, पंजाब की भी करती हैं, हरियाणा की नहीं करती हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है, अगर हम देश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा, यहाँ पे इन्होंने कहा है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो यहाँ पे भारत और म्यांमार के साथ है। याद रखिए भूटान के साथ जो है बांग्लादेश की सीमा नहीं है, केवल भारत के साथ नहीं है, चीन के साथ भी नहीं है, भारत और म्यांमार, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये पहले टॉपिक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला टॉपिक देखो भारत के भूगोल में पर्वत और चोटी से रिलेटेड है, तो जल्द ही वीडियो आपको मिलेगा। बाकी मैं अपने चैनल पर आपको साइंस, यूथ कंपटीशन टाइम्स के और हिस्ट्री के सारे टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बीच बीच में वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो उनको देखते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।